अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि, इस राशि में ये दूसरे नंबर की राशि है, चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत शांत सोच समझ के बोलने वाले, अगर कुछ दिया भी है तो ठहर के खाएंगे, आप खा लो आपके बाद खा लूँगा, अपने आप को व्यक्त नहीं करते, शांत सरल चित रहते हैं। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। गुस्सा वुस्सा ओकेशनली है, रूटीन में जैसे मुंह फुला कर रहने वाले लोगों में ये नहीं होते। अब शुक्र का प्रभाव तो वृक राशि पर है, लेकिन वो चंद्रमा की राशि मानी जाती है, फिर वही कि चंद्रमा से संबंध अच्छा नहीं। तो बुध ग्रह में जब चंद्रमा होता है तो उस वक्त में चंद्रमा और बुध की युति के अंदर वृक राशि में उन लोगों को अक्सर अपने शरीर में एलर्जिकल प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए उनका एक ही उपाय है, ऐसे लोगों को गर्म पानी को अवॉइड करना चाहिए, मैक्सिमम ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और अपने भोजन के अंदर में भी ना गर्म तासीर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिनमें जैसे ज़्यादा मिर्च नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे उनको तकलीफ हो जाएगी, इसके बचना चाहिए, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जो जातक हैं और बुध ग्रह का गोचर इस राशि पे हो रहा है, तो ऐसे समय में उनको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि गर्म पानी से का सेवन थोड़ा कम करें, गर्म चीज़ों से बचें खाने से, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है।